स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इसका नाम है जानकारी मैटर्स है। बीपीएससी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, चलिए पढ़ते हैं। परिणाम रद्द करने पर सरकार व बीपीएससी से जवाब तलब। पटना हाई कोर्ट ने कंप्यूटर साइंस विषय में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निकाले गए परिणाम को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं बिहार लोक सेवा आयोग को हलफनामा दायर करने को के लिए कहा है। न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने ब्रजेश दास व एवं अन्य की रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 सप्ताह में हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। आयोग द्वारा विभिन्न विषयों के शिक्षकों के चयन के लिए 30 मई 2023 को विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें 8,395 पद कंप्यूटर साइंस के शिक्षक पद पर चयन के लिए थे। कागजात के सत्यापन हेतु 28 अगस्त 2023 को पहली बार अधिसूचना जारी की गई थी। 3 अक्टूबर 2023 को एसटीईटी का रिजल्ट जारी किया गया। दूसरी अधिसूचना 10 नवंबर 2023 को जारी की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने बताया कि सीट खाली रहने के बावजूद याचिकाकर्ताओं का चयन नहीं किया जाना मनमानेपन को दर्शाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट ने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में जो हुआ था मतलब प्लस टू टीचर की नियुक्ति के लिए जो परिणाम निकाले गए थे उसको निरस्त करने के लिए तो जो याचिका है उस पर सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट में, और उसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी को हलफनामा दायर करने को कहा और तो और उनको 4 सप्ताह में हलफनामा दायर करने का आदेश भी दिया। तो देखने वाली बात होगी कि इस पे हलफनामा दायर करने के बाद क्या कुछ होता है। जो भी होगा, जो भी न्यूज़ आएगी, अपडेट आएगी, वो आपको हमारे चैनल पे ज़रूर देखने सुनने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।